एक्सिस बैंक मिले जुले नतीजे और चौथी तिमाही में स्टैंडर्ड लोन बेसिस 5,728 करोड़ का नुकसान किया है। ज्यादा चिंता न करें, यहाँ पर एक्सेप्शनल लॉस आया सिटी का, इन्होंने कार्ड बिजनेस जो लिया था उसके चलते हुए। बाकी डेटा के लिहाज से एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सी मिस है, मिले जुले नतीजे। विप्रो कुछ खास नतीजे नहीं है, 1% की रेंज में सारे आपको फैक्टर्स हैं, तो कामकाजी मुनाफा, आय, मार्जिन, प्रॉफिट कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बायबैक आ रहा है 12,000 करोड़ का 445 के भाव पर। कल ADR 4.5% मजबूत जरूर था, देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आता है। ऐसे ही नतीजे टेक महिंद्रा के भी, हर एक पैरामीटर पर कमजोर विप्रो की तरह ही। मुनाफा उम्मीद से कम है, आय उम्मीद से कम है, डॉलर रेवेन्यू उम्मीद से कम है, एडजस्टेड मार्जिन और एडजस्टेड एबिट ये सारे के सारे कम, यानी कि टेक महिंद्रा के रहे हैं कमजोर नतीजे। LTIMindtree यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से कमजोर हैं, आय जरूर 11.5% बढ़ी है, डॉलर मुनाफा 11.5% बढ़ा है, माफ कीजिएगा आय और डॉलर रेवेन्यू दोनों 1-1% बढ़ते हुए दिखे हैं, एबिट आपने 18-19% बढ़ते हुए दिखा है, मार्जिन थोड़ा अनुमान से बेहतर थे बट ओवरऑल नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं है। SEC ने भी कमजोर नतीजे पेश किए हैं, जो मुनाफा है 237 करोड़ 40% घटकर आया है, आय जरूर उम्मीद के मुताबिक है लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर परफॉर्मेंस काफी कमजोर और मार्जिन भी घटे हैं। साथ ही ऑडिटर्स ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन भी दिए इनके अकाउंट पे कि सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इसकी कार्रवाई पूरी होने तक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट पर कुछ संभावित परिणाम आ सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से वो टिप्पणी करने में असमर्थ है। ट्रेंड यहाँ पर आय में जबरदस्त उछाल आपने देखा है, अनुमान से बेहतर आई है, कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ा है बट मार्जिन में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो अच्छी ग्रोथ आय में है बट मार्जिन में बड़ी कटौती है, 12.8% के मार्जिन घटकर 10.2% पर है। इंडियन होटल्स हर एक पैरामीटर पर नंबर मजबूत है, आय, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा सब बीट है, हाँ मार्जिन जरूर 33% का अनुमान था उतने आए लेकिन दमदार नतीजे। श्रीराम फाइनेंस के भी नंबर्स अच्छे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम 65% बढ़ी है, मुनाफा 20% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपको 8.5% के ऊपर स्टेबल दिख रहे हैं। एम्फेसिस उम्मीद से कम नतीजे रहे और तिमाही दर तिमाही नतीजे हैं कमजोर, मुनाफा उम्मीद से कम आया है, आय भी यहाँ पर थोड़ी कमजोर रही है, एबिट यहाँ पर उम्मीद से कम है और मार्जिन जरूर मेंटेन करने में कामयाब रही है कंपनी। और IRB इंफ्रा, इन्हें नेहरू आउटर रिंग रोड के लिए ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर इनके लिए आते हुए दिख रहा है, करीब 7,000-7,500 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो बड़ा ऑर्डर IRB इंफ्रा के लिए। ये आज के टॉप 10